तो हम पहुंच गए हैं रहीम का कुलचा निहारी खाने। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है लखनऊ में, तो हम लोग का सुबह का नाश्ता यहाँ पे होने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा खास है, इनका जो बोलते हैं ना निहारी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है, और इनका जो कुलचा है वो भी बहुत ज़्यादा खास सुने हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला लेयर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है और अंदर में घी और दूध को यूज़ करके बनाया जाता है और मैदा के साथ में। तो चलते हैं आगे, क्यों बढ़ते हैं, इसको खाते हैं। ये देखिए गाइस, ये आ गया हमारा निहारी, और इसका जो ग्रेवी है बहुत ही ज्यादा खास है। अच्छा, ये ग्रेवी इसका ऐसा बनता कैसे है वो वही बताएंगे। ये इनका स्पेशलिटी है। ये देखो भाई, बोटी बहुत ही ज्यादा खास है। मेरे मुंह में पानी आने लगा, बहुत ही ज्यादा खास है ये। और देख सकते हो इसको गर्म करने का तरीका, नीचे में एक पाय लगा हुआ है, इसके अंदर कोयला डाला हुआ है। ये इस तरीके से धीमे आंच पे गर्म होते रहता है। अब बोल सकते हैं जितना ज़्यादा गर्म होता है वो उसका और भी ज़्यादा खूबसूरत सा टेस्ट आता है। ये निहारी सच में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ये ओनर हुए यहाँ के और बहुत ही ज़्यादा खास है। जो 100 साल पुराना शॉप है, जो निहारी बहुत ही बेहतरीन सर्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खास लगा हमको तो। और देख सकते हो कुलचे वाले भैया यहाँ पे, भैया कुलचा बहुत लाजवाब बनाए थे, वैसा कुलचा हमने खाया है। यहाँ आप पटना में रहते हो? हाँ, पटना में रहते हैं। कंकड़बाग। अच्छा, कंकड़बाग हमारे दोस्त रहते हैं, हम लोग जाते हैं न्यू अजीमाबाद कॉलोनी। अच्छा वहाँ, अरे आइए कभी कभी कंकड़बाग आइए, हमको होस्ट करने का मौका दीजिए। हम जरूर आप जरूर आइए। आपका कार्ड है? कार्ड नहीं, मेरा नंबर ले लीजिए आप। लग रहा है हमको कार्ड बनवाना पड़ेगा गाइस हमको। अब मेरा नंबर ले लीजिए। बिरयानी है, ये देख सकते हो, मटन का पीस बहुत ही ज्यादा बढ़िया से खिला खिला हुआ है, ये देख सकते हो। और ये बिरयानी देखिए बहुत ही ज्यादा खास लग रहा है देखने में, मजा ही आ गया देख के। और जो बिरयानी का मेन पता क्या होता है, जो खुशबू तब तक नहीं आया ना तो वो मजा ही नहीं आता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खास लग रहा है, तो टेस्ट करने के लिए हम तत्काल के ले लिए, क्योंकि हमको टेस्ट करना था बस। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, इनको खाए पहले? और हमने आपने इससे पहले ही कहा था कि पहले निहारी खाइए। निहारी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमको। तो ये रहा इनका बिरयानी, देख सकते हो इस तरीके से ये चावल एकदम खिला हुआ है। परफ्यूम मीन पर इसका परफ्यूम जो होता है बहुत ही ज्यादा सुगंध, जो बहुत ही ज्यादा खास लगता है। तो लिया जाए फर्स्ट बाइट, मेरे मुंह में पूरा पानी आ चुका है। वाह, जो खड़ा मसाला का टेस्ट आ रहा है, जो फ्लेवर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खास है। और वो जो खड़ा मसाला आता है ना वो मुंह में नहीं आया, उसके कारण और भी ज़्यादा खास लग रहा है। और इसका जो बोटी है, मांग का पीस, देख सकते हो क्या चीज़ है ये। ये देखो इसको ऐसे करते के साथ ये टूट जा रहा है, ये देखिए सिंपल सा चीज़ है ये। इनका जो खासियत हमको यही लग रहा है, क्योंकि ये जो मटन का पीस रहता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो चलिए इसको लिया जाए भाई। बहुत ही ज़्यादा खास है इसका जो बोटी है, इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना बागा, जो मीट का बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। आइए भैया, बहुत ही ज़्यादा खास लगा ये चीज़, मज़ा आ गया। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या डालिए? अच्छा, दही क्यों? अच्छा, इसके ऊपर दही आ गया। ये और मज़ा आएगा। मजेदार। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, लेकिन ये मजेदार है। ये मटन निहारी है, गिलाफी कुलचा, इसके साथ जैसे खाने एक जोड़ होता है खाने। अच्छा। का तो जैसे छोला भटूरा होता है, एक जोड़ होता है खाने का। हाँ। स्पाइसी हो जाता है, ऐसे ये मटन निहारी है, कुलचा है। अच्छा। खाने के साथ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। ये किस चीज का बनता है कुलचा? सर मैदा होता है इसमें, और ये ऊपर का जो गिलाफ होता है। हाँ। ये दूध होता है और घी होता है, जिसमें मैदा और ये सब बराबर का होता है। अच्छा, मैदा घी और बहुत कुछ इसमें मिला, दूध मिला हुआ रहता है। जी जी जी। और ये निहारी में हमारा कौन सा पीस आ गया है? ये इसमें आ गया करेली की बोटी है। अच्छा, और उसकी चाप की बोटी है। ये करेली की बोटी और चाप की बोटी। जी जी, चलिए ठीक है। तो फाइनली हमको रहीम का कुलचा और निहारी खाने के लिए मिल गया। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है लखनऊ में, और इनका दो ब्रांच है। तो अभी हम मेन ब्रांच पे आए हुए हैं। ये देखो रोटी बहुत ही ज़्यादा खास है, रोटी नहीं सॉरी कुलचा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, देख सकते हो किस तरीका से है। ये लेयर ही लेयर में है, और इसका जो लेयर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें दूध से बना हुआ है, घी है इसके अंदर, देख सकते हो मेरे हाथ में भी आने चालू हो गया। और नीचे का बेस लेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो ये देख सकते हो इधर वाला, ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, देख सकते हो। तो इसके अंदर लिया जाए ग्रेवी,
और ये सुबह का नाश्ता होता है निहारी, वन ऑफ द बेस्ट डिश होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, तो इसको लिया जाए। और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इसका बाइट लिया जाए, ओ वाओ, बोल सकते हैं ये स्पाइसी एकदम नहीं है, ये सच में अलग है। और इसके ऊपर जो हरा मिर्च डाला गया है ना गाइस, वो इसको और ज़्यादा खास बनाता है। ये देखिए ये जो हरा मिर्च है साथ में, ये इसको बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है। आज तो इसको एक और बाइट ग्रेवी के साथ ये लिया जाए, बढ़िया से डिप करते हुए। और ये जो ऊपर में देख सकते हो साइड साइड में, ये रोगन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से खिल के आया है। ये लिया जाए बाइट, क्या चीज़ है ये? ओयल, हाँ उसको हम लोग रोगन बोलते हैं, है ना? अमेजिंग। और ये लिया जाए बोटी, ये देख सकते हो पीस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए किस तरीका से बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये देखिए ओह हो हो, एकदम बोल सकते हैं टूट के एकदम गिर जा रहा है एकदम पीस का बाइट लेते हुए। अमेजिंग ब्रो, एकदम सॉफ्ट है, दांत से चबाने का जरूरत नहीं, बोलते हैं ना जीभ से दबाने के बाद ये टूट जाए, वो चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस कुलचे को और इस निहारी को हम कंप्लीट करते हैं, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कर देना, खाते रहिए मुस्कुराते रहिए। और ये हमारे भाई लोग यहाँ पे मेरे सामने हैं, वीडियो इधर दिखा दीजिए थोड़ा, ये मेरे भाई लोग यहाँ पे हमको बहुत ही बढ़िया से सर्व किए, मज़ा आ गया। तो इसको कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे की ओर।